चलिए, 3D में एक प्लेन आप डिस्कस कर रहे थे, और प्लेन में कुछ बातें आएंगे। अब जब आएंगी तो उसमें हमको 3D में लाइन की रिक्वायरमेंट है। प्लेन के बहुत सारे क्वेश्चन लाइन की हेल्प से सॉल्व होंगे। मतलब लाइन में प्लेन का रिक्वायरमेंट है, प्लेन में लाइन का रिक्वायरमेंट है। तो पहले थोड़ा सा अपन 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर से प्लेन और लाइन को एक बार कंबाइंड फॉर्म में 3D में आपने पढ़ना है। तो प्लेन में एक लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th में भी आपने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। बिल्कुल सेम इक्वेशन है, सेम कंडीशंस हैं। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन यहाँ पर कैसी दिखेगी, तो वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन प्लेन्स। मतलब बाइसेक्टर का इक्वेशन, प्लेन के बाइसेक्टर का इक्वेशन हमने यहां पर लिखना है। दो प्लेन के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो प्लेन बनेगा, वो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन प्लेन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू जीरो इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो सिंपल सा है बस, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन पहला प्लेन का इक्वेशन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू जेड प्लस डी टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू। ये दो प्लेन के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन है। दो साइन है तो दो इक्वेशन बनेंगे, जो कि दो प्लेन के बीच में दो बाइसेक्टर बन सकते हैं। एक तो दोनों प्लेन के बीच में एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर, और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर। मतलब एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। यह है बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब इसमें बस एक बात यह है, जो 2D में भी आप पढ़ते थे, कि कब यह बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कब यह ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर को डिनोट करेगा। मतलब दो साइन है तो प्लस लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनेगा कि माइनस लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो इसके लिए फॉर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आपकी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि सबसे पहले फर्स्ट वी मेक बोथ दी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप ये है
एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के लिए कि आप D1 और D2 इन दोनों को पॉजिटिव करेंगे, मतलब सेम साइन होना चाहिए, ये वाला D1 और ये वाला D2। ये D1 D2 को पॉजिटिव करके न्यू इक्वेशंस बना लेंगे। फिर न्यू इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला डालना है, और डालने के बाद उसके बाद वी चेक द साइन ऑफ दूसरा पॉइंट है चेक साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसका साइन चेक करेंगे। यदि साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 यहां पर इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, और यहां पर बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लिख रहे हैं। कौन सा बाइसेक्टर आपको मिलेगा? और ये आपका सीरियल नंबर का कॉलम। तो चार पॉसिबिलिटीज आती हैं कि इफ द साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आपने निकाला, और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन पॉजिटिव आया, तो आप यदि इक्वेशन फर्स्ट में भी पॉजिटिव साइन ले लें तो आपको मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो फिर जो बाइसेक्टर होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल सेम थिंग आपने 2D में भी पढ़ी है। यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन नेगेटिव आता है, देन ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अब यदि आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन पॉजिटिव आता है और आप इक्वेशन फर्स्ट में नेगेटिव साइन देते हो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आता है, और यदि ये साइन नेगेटिव आता है और आप पॉजिटिव लेते हो इक्वेशन फर्स्ट का साइन तो फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलता है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आप यदि साइन सेम रखोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और साइन अपोजिट कर दोगे देन यू गेट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो साइन आए वही साइन आप इक्वेशन फर्स्ट में लें तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, अपोजिट साइन लोगे तो यू गेट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और तीसरी पॉसिबिलिटी है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो यदि हो जाए, तो जीरो हो जाएगा तब तो प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तब तो उनको बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर बनेंगे वो ना तो एक्यूट होंगे ना ऑब्ट्यूस होंगे, क्योंकि एंगल तब तो 90 डिग्री बनेगा, दोनों एंगल 90-90 बनेंगे, तब कोई एंगल एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस नहीं होगा, क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और इसलिए यहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज हमने ली हैं, इसका साइन निकालने से पहले D1 D2 को पॉजिटिव कर लेना है, और जो भी आप करेंगे वो नए इक्वेशन, ऐसा नहीं है D1 D2 तो पॉजिटिव कर ली और पूरी कैलकुलेशन पुरानी इक्वेशन से कर डाली, सब कुछ फिर नए इक्वेशन से करना है। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिए हैं
उनके साइन पॉजिटिव करके ना इक्वेशन बना लें, और फिर आप पूरी कैलकुलेशन ना इक्वेशन के लिए करेंगे। तो यह है इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इसके बाद हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हियर वी राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। देखिए कहाँ कहाँ चेंज आता है। तो जब आप वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लेंगे तो सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहां पर प्लेन का इक्वेशन पहला आर डॉट एन वन इज इक्वल्स टू डी वन, ये पहले प्लेन का इक्वेशन हो गया। और दूसरे प्लेन का इक्वेशन आएगा आर डॉट एन टू इज इक्वल्स टू डी टू। वेक्टर फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन हो गए। अब इनको के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो देखिए क्या लिखा है। पूरी प्लेन के ऊपर इक्वेशन लिखी है और नीचे डिवाइडेड बाय ए वन बी वन सी वन, जो कि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो वो डायरेक्शन रेशियोज का आपने मैग्नीट्यूड लिखना है। मतलब नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये जो इक्वेशन है अब आपकी, ये इक्वेशन आपको इस तरीके से दिखेगा। दोनों प्लेन के इक्वेशन लिखिए। पहले प्लेन का इक्वेशन आएगा वेक्टर आर डॉट एन वन माइनस डी वन डिवाइडेड बाय एन वन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर डॉट एन टू माइनस डी टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू वेक्टर। या फिर आप इसी बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। इनको सेपरेट कर लीजिए। इसके अपॉन में किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं आर डॉट एन वन कैप माइनस डी वन अपॉन एन वन वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर डॉट एन टू वेक्टर एन टू कैप माइनस डी टू अपॉन एन टू वेक्टर। या फिर थोड़ा सा एक लाइन में और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ट्रांसफर कर लीजिए। इसको यहां ट्रांसफर कर दिया, डी वन को वहां ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन आर वेक्टर डॉट एन वन कैप प्लस माइनस एन टू कैप इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन एन वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी टू अपॉन एन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर फॉर्म है। जब भी दो प्लेन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे और आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना होगा, तो दिस इज दी वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सो ये वेक्टर फॉर्म है। इतनी बातों में अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। इसमें कुछ सारे टॉपिक जो हैं वो लाइन की हेल्प से सॉल्व होते हैं। जैसे किसी पॉइंट का प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है आपको, या किसी पॉइंट से प्लेन पे ड्रॉ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों टॉपिक अपन लाइन को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। तो यही एक टॉपिक आपका प्लेन में रह जाता है। उसके बाद अपन लाइन पढ़ेंगे और फिर प्लेन के साथ लाइन पढ़ेंगे। प्लेन के साथ लाइन में प्लेन और लाइन के बीच का एंगल आपने फाइंड आउट करना है। दो लाइन यदि किसी प्लेन में कोप्लानर आ जाए, एक ही प्लेन पे लाई कर जाए, तो कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। फिर
वो प्लेन की इक्वेशन पढ़ेंगे जो दोनों लाइन को अपने में कंटेन किए हुए हैं, और वही लाइन के कंसेप्ट की हेल्प से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट और इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ एनी पॉइंट। तो इतना बात नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपका तो पूछ लीजिए। और अभी तक जो आपने थ्योरी पढ़ी उस पर बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, अगले पेज पे अपन उनको ट्राई कर रहे हैं, आप आंसर करिए। सबसे पहले तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो कल का टॉपिक आपका रिवाइज कर देगा वो पूछ लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देते हैं। पहले प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8। एंड दूसरे प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा ये आपने बताना है। Find the distance and write your answer. के संकेत तुपकर करेक्ट है। चौधरी कल्पेश चेक करें। लोनारे अंकेश करेक्ट हैं। योजित चेक करें, रॉन्ग आंसर। सुशांत ठाकरे और सिंप्लीफाई करो उसको। सिल्वी गुप्ता चेक करें। जो जो सिंप्लीफाई करो, 3 से डिवाइड होता है ऊपर नीचे। सुशांत ठाकरे करेक्ट है, योजित करेक्ट है, कल्पेश चौधरी भी अब करेक्ट हो गए, सिल्वी गुप्ता भी करेक्ट है। चलिए तो अब देख लीजिए आंसर। करेक्ट आंसर इज 7/2, 7/2 सही आंसर है। और डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये पोर्शन बिल्कुल सेम बना लेंगे। तो ये पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4x 2y 4z और -16 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला ये काम करेंगे ताकि इतना पोर्शन बिल्कुल सेम हो जाए। और अब आप जानते हैं डिस्टेंस जो होती है वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हो जाएगी, इट इज दोनों के कांस्टेंट टर्म सबट्रैक्ट करेंगे, d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 16 4 16।
which is ekir bata 6, which is 7 by 2, can be write 3.5. So distance between parallel plane is 7 by 2. Chaliye. Take the screenshot of this. Moving on to the next question. आज आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी बताऊंगा इसमें आगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप उसके पहले करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A tetrahedron vertices at tetrahedron है जिसके vertices है वो 0,0,0 origin पर है, एक vertex आपका 1,2,1 और इसका चौथा वर्टेक्स जो है इट इज -1,1,2 -1,1,2 देन फाइंड द एंगल बिटवीन फेसेस ओ ए बी एंड ये टेट्राहेड्रॉन के दो फेस के बीच का एंगल आपने निकालना है। यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन फेसेस ओएबी जो एक फेस बनेगी और एबीसी जो फेस बनेगी, उन दोनों फेस के बीच में एंगल कितना होगा। टेट्राहेड्रॉन के दो फेसेस के बीच में एंगल तो आप ट्राई करते रहिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं जिनका आ जाए, बाकी जब तक इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए टेट्राहेड्रॉन में जो दो फेसेस हैं वो इनडायरेक्टली दो प्लेन बनेंगे, तो आपको दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। और वो जो दो प्लेन है, एक ओएबी प्लेन है मतलब तीन पॉइंटों से पास होने वाला प्लेन है, और ये दूसरा प्लेन है जो तीन पॉइंट एबीसी से पास हो रहा है। और कल आपने थ्योरी पढ़ा था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो वो थ्योरी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन ओ ए बी निकाल रहे हैं, ओ ए और बी से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन। तो वो आपने पढ़ा है 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है, जिसमें से कोई एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं, मैंने इसमें ओ फिक्स कर दिया है और सब में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बनती है प्लेन की इक्वेशन, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो। फिर यही आप ए से सबट्रैक्ट करेंगे दूसरा वर्टेक्स, तो ए में से जीरो जीरो सबट्रैक्ट करेंगे तो 1,2,1 ही आएगा, और बी में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 2,1,3 ही आएगा बराबर जीरो। इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 -1 5x, 2 -3 -y, और 1 -4 -3z = 0। ये एक प्लेन का इक्वेशन आ गया,
इस तरीके से वी फाइंड वन प्लेन, वन फेस की इक्वेशन आ गई आपकी। अब दूसरा फेस का इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं। तो नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, कोई एक फिक्स कर दीजिए, इसमें ए फिक्स कर देता हूं। तो ऊपर क्या आएगा, एक्स माइनस वन, वाई माइनस टू, जेड माइनस वन, फिर बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए आएगा, टू माइनस वन वन, वन माइनस टू माइनस वन, और थ्री माइनस वन टू, और फिर सी माइनस ए करेंगे तो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस टू, और टू माइनस वन बराबर जीरो। ये प्लेन की इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करेंगे, माइनस वन प्लस टू तो प्लस का वन आता है, फिर वाई माइनस टू के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव आता है, तो माइनस फाइव वाई प्लस टेन हो गया, और इसके लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आता है, माइनस थ्री डेड प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। या प्लेन की इक्वेशन हो गई एक्स माइनस फाइव वाई माइनस थ्री डेड प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर। ये दोनों प्लेन के इक्वेशन आ गए, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन प्लेन्स या रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन दोनों फेसेस, संकेत चेक करो। अब अपन दोनों फेस की इक्वेशन आ गई, मतलब दो प्लेन की इक्वेशन आ गई, अपन दो प्लेन के बीच में एंगल तो निकालना जानते हैं। सो रिक्वायर्ड एंगल इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम है तो 25, 9 और 1 10, 35 आ जाएगा। Therefore, theta is equal to cos inverse 19 by 35 is your answer. तो cos inverse 19 by 35 करेक्ट है, सुशांत ठाकरे का आ गया। So, इस तरीके से वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन। टू फेसेस मतलब टू प्लेन बीच आपको निकालना, और दो प्लेन इस तरीके से तीन वर्टिक्स से पास होने वाला एक प्लेन बनेगा। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की जो कंसेप्ट है वो लगा देते हैं, एंड वी गेट अवर इक्वेशन। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। और अब मैं एक और इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहले आप थ्योरी के थ्रू समझ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन अपन उस पर कर लेंगे। पेज नंबर चार, देखिए हमने 3D में एक प्लेन बनाया है, थ्री इंटरसेप्ट फॉर्म आपने प्लेन का पढ़ा है। तो ये हम 3D डायग्राम बना लेते हैं। तीनों एक्सेस अपन ने ले लिया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। और इस पे हमने एक प्लेन बनाई है जो एक्स एक्सिस को ए लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जेड एक्सिस को सी लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए लेंथ ए, ये लेंथ बी, और ये लेंथ सी। तीनों एक्सिस को कैपिटल ए बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये जो ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो यहाँ पर अपन ये एरिया निकालना, तो इसके लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे। सो हियर वी कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तीन वर्टेक्स से पास होने वाला, ये एक प्लेन बना है, प्लेन जो है वो ट्राइंगुलर शेप में है, और इसलिए हमें ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं 3D में वो फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये एक्स एक्सिस पर है और ए लेंथ है ओरिजिन से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो होगा, ये जीरो कॉमा बीरो बी कॉमा जीरो होगा, और इट इज जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। तो ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कितना होता है। इन दिस केस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इट इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। एंड हाउ वी ऑब्टेन, चलिए देखिए, सो हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एबीसी का एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो ये आपने वेक्टर थ्योरी में ट्राइंगल का जो एरिया पढ़ा है, यहाँ पर अपन वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। दो कोई भी कंसेक्यूटिव साइड, दो एडजेसेंट साइड्स आप ले लीजिए, और आपने ट्राइंगल में वहां पर वेक्टर थ्योरी में एरिया पढ़ा था कि यदि आपको इस तरीके से एक ट्राइंगल दिया है, वही है फॉर्मूला, इससे आता है वो फॉर्मूला। तो आप इससे दो वेक्टर बना लीजिए ए बी और ई सी, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इट इज हाफ ऑफ मॉड ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ये फॉर्मूला आपने वैक्टर थ्योरी में पढ़ा है। यहाँ पर अपन वही फॉर्मूला लगा के कार्टिशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको ऐसा दिखेगा। तो जब आपको तीनों वर्टिक्स पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। बट ये याद रखें, ये केवल इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला है कि जब तीनों एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आपको पता होंगे, और आप हर प्लेन की इक्वेशन को थ्री इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन। पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस पता करेंगे ए बी सी। वंस यू गेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, देन यू गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन ये कंसेप्ट से करेंगे। तो यहाँ पे भी हम ए बी और ए सी दो वेक्टर बना लेते हैं। सो ए बी का पोजीशन वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये वेरिफिकेशन है इसका। सो ए बी का पोजीशन वेक्टर आपका होगा चलिए सुने खाली, अभी नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। तो देखिए ए बी का पोजीशन वेक्टर अपन निकालेंगे करस्पॉन्डिंग बी में से ए को सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो बी में से ए को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए आई प्लस बीजे और जीरो के हो जाएगा वो, और ए सी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो C में से ये सबट्रैक्ट करना है तो माइनस ए आई और प्लस का सी के, ये ए बी और ए सी के पोजीशन वेक्टर आ गए। अपन ए बी क्रॉस ए सी का मॉड निकालेंगे, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट ए बी क्रॉस ए सी, दो वेक्टर का अपन जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के फर्स्ट रो में, फिर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट माइनस ए बी और जीरो, फिर माइनस ए जीरो और सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
ये आएगा BCI, फिर जे के लिए PCJ और के लिए PBK आता है। तब आपको रीजन समझ में आ गया होगा क्यों ये ऐसा दिखता है। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है ये BC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आता है, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ AB क्रॉस EC, मतलब रूट ओवर। अब इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला, जब आपको प्लेन की इक्वेशन एक ट्राइंगुलर फॉर्म में दी होगी और वो ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक क्वेश्चन अपन इस पे देख रहे हैं, उसको ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। द प्लेन एक्स अपॉन टू वाई अपॉन थ्री जेड अपॉन फोर इक्वल्स टू वन, कट्स द एक्सेस इन कैपिटल ए बी एंड सी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा? ऑप्शन है रूट 29, रूट 41, रूट 61 या फिर नन ऑफ दीस। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, करिए आप इसको ट्राई। संकेत तुपकर करेक्ट है। तो सबको दिया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कल्पेश चौधरी करेक्ट है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखें फॉर्मूला। चलिए दो ही का आया, बाकी के कैलकुलेशन नहीं जम रही। संकल्प रामटे के चेक करें, देखो सॉल्यूशन भाई। सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू लिख लो, ए टू बी थ्री और सी का वैल्यू फोर है। जो रिक्वायर्ड एरिया उसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा है, इट इज वन अपॉन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सबके स्क्वायर करके वैल्यू डालने। तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा नाइन, बी स्क्वायर हो जाएगा नाइन। तो देखिए सबका वैल्यू डाल दिया है फॉर्मूला में,
योजित करेक्ट है, संकल्प राम टेके चेक करें, कल्पेश चौधरी और संकेत तुपकर, केवल तीन बच्चों का आंसर आया। Route 61 इज द करेक्ट आंसर, केवल फॉर्मूला में वैल्यू डालना है एंड यू गेट योर आंसर। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करें। कोई प्लेन तीनों एक्सिस को जिन जितनी लेंथ पे इंटरसेक्ट करेगा, प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में कभी भी पूछा जाए तो आप इस तरीके से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन 3D में लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक, उसको अपन कल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज नेटवर्क इशू भी है और शुरू करते ही खत्म भी हो जाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए, कल कंटिन्यू करेंगे फिर क्लास। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।